हे गाइस, वेलकम बैक। वील कंटिन्यू विथ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। हमने यहाँ तक कर लिया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वैल्यूएशन, हमने सीएपीएम मॉडल तक कर लिया था। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वी आर नियरिंग टू द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। ज़्यादा और बाकी नहीं है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसको हम KR बोलते हैं। ओके, जनरली बच्चों एक चीज़ याद रखें हमेशा कि रिटेन अर्निंग जो है, ये रिटेन अर्निंग किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि रिटेन अर्निंग अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स नॉर्मली जितना उनका एक्सपेक्टेशन होता है उनके कैपिटल पे, उतना ही एक्सपेक्टेशन उनका रिजर्व्स पे भी होता है, क्योंकि रिजर्व्स भी उन्हीं का ही है। सो जनरल टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, दोनों सेम ही होते हैं जनरल टर्म्स में देखा जाए। ठीक है, ओके। हमने देखा था केई का कैलकुलेशन में हमने डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज किया था, उसमें फॉर्मूला था डीपीएस अपॉन पी जीरो। ओके, हमने अर्निंग प्राइस भी किया था ईपीएस अपॉन पी जीरो। ओके, हमने ग्रोथ वाला भी किया था डीपीएस वन या डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। ये सारे केई के फॉर्मूले थे। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूलाज, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुने, सेम टू सेम फॉर्मूलाज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का भी है। तो सर फिर डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट देता है, जिसके बारे में अभी तक हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट में बात कर भी चुके हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो अगर देता है, तो जाहिर सा बात है ये जो पी जीरो का कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हो ना, ये पी जीरो नेट प्रोसीड्स होता है। ठीक है, ये पी जीरो एडजस्ट हो जाता है, यहां से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है, राइट? ओके, तो सर एक बात आप सोच के देखो कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट इज देयर, ठीक है, तो केई का कैलकुलेशन में जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है इश्यू एक्सपेंसेस। इश्यू कब करते हो? जब न्यू इक्विटी शेयर्स आप इश्यू करते हो, राइट? ओके, क्या रिटेन अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। बात को ध्यान देके समझें, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू एक्सपेंसेस है, तो इक्विटी शेयर्स के केस में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में ही फ्लोटेशन कॉस्ट आ सकता है। रिटेन अर्निंग के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे आएगा? नहीं आ सकता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो केई और केआर दोनों सेम नहीं होंगे, अदरवाइज जनरली दे आर सेम। इज इट ओके? ये जो लिखा है जनरली केई इज इक्वल टू केआर, ये कब है? जब कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो। लेकिन इफ देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, देन केई कैन नॉट बी इक्वल टू केआर। उस केस में आपको सेम फॉर्मूला यूज करके आपका जो केआर, जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला में चेंजेस नहीं है, इक्विटी का ही है, सब कुछ सेम टू सेम। लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट रहता है तभी जाके दोनों केई और केआर दोनों अलग अलग होते हैं। जब आप के आर निकाल रहे हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट बिना किए आप कैलकुलेट करो, और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर करने के बाद कैलकुलेट करो। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। यहां पे एक छोटा सा नोट है, फॉर कैलकुलेटिंग के कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्लोटेशन कॉस्ट इज डिडक्टेड, ये सब समझ में आ चुका है, बट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट डिडक्टेड। सो जनरली अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, अगर आप देखेंगे, आप ऐसे तो उसका कैलकुलेशन कर ही सकते हो सारे फॉर्मूलाज से, बट जनरली क्या होता है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, तो एडवाइजेबल क्या होता है, केई पहले निकाल लो, केई से फ्लोटेशन कॉस्ट का वेटेज माइनस कर देंगे तो केआर आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला भी बनता है कि केई इज इक्वल टू केआर, बट इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज देयर देन केई, वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट को अगर हम जैसे टैक्स को एडजस्ट करते हैं, वैसे ही फ्लोटेशन कॉस्ट को अगर आप एडजस्ट कर देंगे वहां पे, तो आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी हो जाएगा। इज इट ओके? अब ये एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। ये पॉइंट में क्या बोला, पर्सनल टैक्स ऑन डिविडेंड
इज कंसिडर्ड, इफ पर्सनल टैक्स ऑन डिविडेंड इज कंसिडर्ड देन। पहला बात है, पर्सनल टैक्स किसके ऊपर है? शेयर होल्डर के ऊपर। क्वेश्चन में कभी कभी ये पॉइंट देता है, ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है वो अगर एक बात बताएं, डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? कंपनी डिक्लेयर करता है। तो कंपनी डिविडेंड पे जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है कंपनी लायबिलिटी पे, राइट। तो उस केस में शेयर होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डिविडेंड का जो टैक्स है वो कंपनी नहीं शेयर होल्डर खुद देने वाला है, तो उस केस में डोंट यू थिंक शेयर होल्डर लोगों का एक्सपेक्टेशन या रेट ऑफ रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है, उनका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है, दैट विल इंक्रीज। क्योंकि अर्लियर वो टैक्स का बर्डन शेयर होल्डर के ऊपर नहीं था, इसलिए दे वेयर डिमांडिंग लेस। अब अगर उनके ऊपर ये डिविडेंड का बर्डन, डिविडेंड पे टैक्स का बर्डन भी उनके ऊपर आ रहा है, तो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर। सो इन दैट केस ओनली पर्सनल टैक्स, अगर ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा तभी, ओके, इफ पर्सनल टैक्स ऑन डिविडेंड इज कंसिडर्ड देन। सीधा सीधा एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है इसका, पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट्स का यूज है जो जो जगह पे मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूं। ओके, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, सर के ही पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वन माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी करेंगे, और अगर पर्सनल टैक्स भी दिया हुआ है तो ये जितना भी आएगा इसको नेट ऑफ टैक्स भी करेंगे हम लोग। ये डीपी मतलब पर्सनल टैक्स, ठीक है। इसका जब एग्जाम्पल आएगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी तक आप इतना ही सोचो सर के ही तो ऑलवेज आफ्टर टैक्स ही होता है, उसमें टैक्स का कंसेप्ट तो आता नहीं है। हाँ नहीं आता है, लेकिन जब पर्सनल टैक्स का कंसिडर करने के लिए क्वेश्चन में बोले तो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं वन माइनस टी करते हैं, वैसे ही पर्सनल टैक्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब इन दैट केस नॉर्मली आप के ही कैलकुलेट करो, वन माइनस पर्सनल टैक्स कर देंगे जो रेट दिया रहेगा, नेट ऑफ टैक्स के ई को कर देंगे तो जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होगा। जनरली ये क्वेश्चन में नहीं पूछता है। आपको हमेशा क्या करना है, ये वाला जो सिचुएशन है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है जनरली। बट इन केस अगर फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह का एडजस्टमेंट करने दिया हो या पर्सनल टैक्स दिया हो तो के ई और के आर दोनों अलग अलग होंगे। This is the concept. Okay. So cost of return earning भी हो गया, next concept के तरफ चलते हैं हम लोग। अब last part पे आने जो कि बहुत बहुत interesting है। बेटा अभी तक हमने cost of capital का अगर discussion को देखोगे, अभी तक हमने क्या किया? Debt किया, preference किया, equity किया, cost of return earning भी कर लिया, ठीक है। अब चारों को अगर, अच्छा ये सारे individual sources of finance है ना, ये सारे इंडिविजुअल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, राइट। अब अगर एक कंपनी है, इंडिविजुअल सोर्सेस ही है। अब अगर एक कंपनी जिसका बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है और डेब्ट भी है, तीनों का अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीख लिया हमने। अब कंपनी क्या बोलेगी, सर अलग अलग तो सीख लिए, अब टोटल में बताओ, चारों जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है चारों का लेके ऑन एन एवरेज मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा सब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टेकन टुगेदर। दैट इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन इसके ऊपर ज्यादा आता है क्योंकि सारे कवर हो जाएंगे ना इसमें। अब WACC जो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं और जिसे आप डिनोट करते हो KO से, ओके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जब आप कैलकुलेट करोगे आपको इंडिविजुअली सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप टोटल में एवरेज करके WACC निकालोगे। सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज इट ओके? चलते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट समझ लिया तो WACC आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, एवरेज ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उसी को WACC बोला जाता है, कोई नहीं। WACC ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर देख के आपको पता चलेगा इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, रिटेन कितना है और डेब्ट कितना है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर ही डिसाइड करेगा WACC कैसा होगा।
नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसमें जनरली मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता कि बच्चे ये याद रखें, ठीक है। ऐसा क्यों? कुछ जिसको नहीं भी पता है वो भी आराम से आप कर सकते हो, बस आपको ध्यान, अगर फॉर्मूला का बात करें, फॉर्मूला में क्या है, ये डब्ल्यू ई डब्ल्यू आर डब्ल्यू पी डब्ल्यू डी, दीज आर नथिंग बट वेट्स। सर अब वेट्स कैसे देंगे, सिंपल सा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल को देखें, पहले तो आपको डब्ल्यू सी सी के लिए के ई पता होना चाहिए, के आर पता होना चाहिए। इन आवर केसेस के ई और के आर दोनों सेम हो सकते हैं, ओके। के पी पता होना चाहिए, के डी पता होना चाहिए, ये आपको तो अलग से निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेट्स। अब से फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान दें, से फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में 5 लाख का डिवेंचर्स, 5 लाख का प्रेफरेंस, 10 लाख का इक्विटी है, टोटल कैपिटल इज 20 लाख, राइट, ओके। अब वेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट्स सीधा सीधा क्या होता है, 5 लाख है, टोटल कैपिटल 20 लाख है, सो 20 लाख इज योर टोटल कैपिटल एंड आउट ऑफ दैट 5 लाख इज योर डिवेंचर, सो हाउ मच पोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल बिलोंग्स टू डिवेंचर्स? सर 5 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 इज 25%, ये भी 25% और ये 50%, ऑब्वियसली वेट दोगे तो 100 ही होगा टोटल में, दीज आर नथिंग बट वेट्स। और ये जो डिवेंचर्स का आया इसको बोलेंगे के डी, प्रेफरेंस का आया इसको बोलेंगे के पी, और इक्विटी का है के ई। यहाँ पे रिजर्व सरप्लस होता तो इक्विटी जो 10 लाख है ना उसी के साथ रिजर्व सरप्लस को ऐड करके एक ही बार निकाल लेते हम लोग, ठीक है। आप जब इसका बात करें डब्ल्यूसीसी और ये फॉर्मूला का बात करेंगे, ये फॉर्मूला कैलकुलेट, ये फॉर्मूला यूज करके डब्ल्यूसीसी कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको वेट्स ढूंढ के करना है, मतलब वेट्स कैलकुलेट करके करना है, तो दीज आर द प्रोसेस। वेट्स निकालो, के ई के पी और के डी और के आर ये सारे निकाल लो, सबके साथ वेट्स मल्टीप्लाई कर दो, आपका डब्ल्यूसीसी आ जाएगा। बट ये नहीं करके हम एक सिंपल तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। सर कैसे? सिंपल बात है, इसको थोड़ा देर के लिए आप इग्नोर करेंगे ये पार्ट को, ओके। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो अभी तक जितना डिस्कशन किया ना सारा का सारा कवर हो जाएगा इसमें, सब कुछ कवर होगा इसमें, तो पे अटेंशन। ये जो पार्ट है इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करें और बस इतना ध्यान रखें, इक्विटी शेयर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपए का है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 100 पर डिवेंचर इश्यू किया आपने, रिडीमेबल है, डिवेंचर क्या है, रिडीमेबल है। कूपन रेट इज इंटरेस्ट रेट 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, 10 साल का मेच्योरिटी। ये डिवेंचर का इन्फॉर्मेशन है। प्रेफरेंस शेयर का इन्फॉर्मेशन, 100 का प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल है ऑब्वियसली एट पार में, कुछ नहीं बोलेगा तो वैसे भी पार में ही होता है। 5% कूपन रेट मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट हो गया, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 साल का मेच्योरिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, सो दिस इज नेसेसरीली डीपीएस 1। समझ में आ रहा है अब जो जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, एक एक करके सब आएगा धीरे धीरे, ओके। रुपीज 1 विथ एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%, और कुछ नहीं बोला तो यहां पे ये जो जी दिया हुआ है 5% है ना, इसको हम क्या मानेंगे, फिक्स्ड है, हर साल 5-5% बढ़ता जाएगा। याद आ रहा है सारा इक्विटी वाला डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो था, ग्रोथ अप्रोच था, वही यूज होने वाला है। ए फर्म हैज ए प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स 50% है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यूज, ये जो परसेंटेजेस दिए हुए ना, 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट, रेस्पेक्टिव फेस वैल्यू के हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला डब्ल्यूसीसी कैलकुलेट करो, ये आपका क्वेश्चन है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन कौन, के डी के पी और के ई, ये आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, विदाउट दिस आप डब्ल्यूसीसी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो लेट्स जस्ट गो फॉर द सॉल्यूशन।